ये है नया कराची और ये है पुराना कराची। और जिस जगह पे आज हम मौजूद हैं वो है पाकिस्तान चौक, जो हिस्सा है नए और पुराने कराची का। इस जगह की तलाश में आज हम निकले हैं, वो 1980 से यहाँ मौजूद है, जिसका नाम है इकबाल चना चाट। वो नहीं आई बापू, आज ऐसे ही चलो कल भी इंशाल्लाह। हेलो गाइस, फूड आर्मी के एक नए एपिसोड में आपका मेज़बान M&M आप सबको खुश आमदीद कहता है। आज जिस जगह पर मौजूद हूँ वो कराची की सबसे बिजीएस्ट और सबसे नॉइसेस्ट प्लेस है, और जिसका नाम है पाकिस्तान चौक। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि चना चाट वाला है, एक बाल चना चाट वाला, जिसको आज हम विज़िट करने आए हैं। तो थोड़ी देर में मैं इसको खा के ट्राई करके देखूँगा। तो इस जगह के बारे में बता दूँगा, पाकिस्तान चौक बेसिकली प्रिंटिंग वर्क के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, और यहाँ ज़्यादातर कराची में शादी ब्याह के कार्ड वगैरह छापे जाते हैं। इसके अलावा इधर स्ट्रीट में बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट भी मौजूद है, जहाँ पाए से लेकर नहारी, कोरमा, बिरयानी, मछली, हर चीज़ मौजूद है यहाँ। तो इकबाल चना चाट काफ़ी अरसे से मैं ट्राई कर रहा था इनको कैप्चर करने का और इन पर एक वीडियो बनाने का, तो आज मुझे मौका मिला है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ इकबाल चना चाट का टेस्ट। तो इसको खा के देखते हैं और ट्राई करते हैं। अच्छा, चना चाट में मेरी और भी वीडियोस बहुत मौजूद हैं कराची में, पूरे कराची में, तो उसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो भी देखिए और इसको भी आप एंजॉय करिए वीडियो को। तो चलें शुरू करते हैं। कुछ देर पहले बताया कि इकबाल चना चाट पे मौजूद हैं, तो आज हमारे साथ मौजूद है जनाब, आपका नाम क्या है? सुभान। सुभान मौजूद है आज हमारे साथ, तो सुभान से पूछते हैं कि यार ये इकबाल चना चाट इतना मशहूर क्यों है। तो इकबाल चना चाट इतना मशहूर क्यों है सुभान, आप बताएं। बस यार सिंपल भी चाट है ना, कुछ यूज नहीं होता, एक डाइट प्लेट है। हाँ, लेकिन टेस्ट ऐसा है कि पूरा आपको इंशाल्लाह पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। और ये 40 इयर्स हो गए इस काम को। अच्छा जी, दादा के टाइम से काम चलता हुआ रहा है। हाँ, तो वालिद साहब है फिर हम लोग आए। अच्छा, तो क्या डालते हो इसमें, क्या इतना रश लगा रहता है जब? बस यार ये वालिद साहब का एक फार्मूला था, सिंपल सी चटनी है हमारी, पापड़ी चटनी मसाला तक अपना बनाते हैं। अच्छा, अपना मार्केट से कुछ मतलब परचेज नहीं करते। जी अच्छा यार, तो ये मार्केट से कुछ परचेज नहीं करते, जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं इनकी अपने घर की बनाई हुई है, और उसको तकरीबन 40 साल हो गए हैं। और यहाँ जितने भी लोग हैं ये पुराने लोग हैं, इनके दादा परदादा यहाँ आते थे खाने, तो अब इनके पोते आ रहे हैं, तो ये इतनी फेमस है यहाँ। तो आज मुझे ये मौका मिला, ये सिर्फ 4 घंटे के लिए यहाँ लगाते हैं, 3 से 7 आई थिंक है ना, 3 से 7, 3 से 7 लगाते हैं, और इसकी मशहूरी का आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ 4 घंटे में पूरा इनका जो भी चीज़ लाते हैं ख़त्म हो जाती है चाट पूरी। तो आप बताओगे यार और कुछ इसके बारे में बताना चाहोगे अपने चना चाट के बारे में? क्या बताएं, मतलब रेगुलर कस्टमर जाते हैं हमारे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आता है फिर वो आता ही रहता है। अल्लाह पाक ने सी बरकत रखी है हमारे अंदर, हाथ में टेस्ट रहता है, तो जो काम करते हैं हम अपने हाथ से करते हैं, मतलब किसी लेबर वेबर के हाथ में नहीं दिया हुआ, घर पे भी अपने हाथ से काम होता है और यहाँ पे भी अपने हाथ से। अच्छा यार, मैं एक कस्टमर से बात करता हूँ इनसे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, तो आपका नाम क्या जनाब? मेरा नाम सलीमुद्दीन है। और जो सलीमुद्दीन, आप यहाँ कब से आ रहे हो? यहाँ वाला कम से कम 20 साल तो हो गए मुझे इनके छोले खाते हुए। अच्छा, और ये हाल में इनका जो अपना सेटअप है 3rd जनरेशन में चल रहा है। अच्छा, और कस्टमर भी तकरीबन 3rd जनरेशन में चल रहे हैं। अच्छा जी जी, माशाल्लाह। और इसकी क्या चीज़ आपको बहुत खास लगती है इसमें? इसमें एक तो चीज़ ये है कि हाइजेनिक सिस्टम के ऊपर बड़ा साफ सुथरा बनाते हैं। अच्छा सर। और दूसरी चीज़ ये रिजा भी है और दवा भी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शुगर पेशेंट्स के लिए छोला इम्पॉर्टेंट है ना, तो वो शाम को आके बिल्कुल रेडी और हर चीज़ साफ सुथरी, और बिल्कुल उसमें ऑयल नहीं होता, मतलब कोलेस्ट्रोल का प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कोलेस्ट्रोल फ्री मिल जाता है। अच्छा, तो हर कस्टमर चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेता है। तो अब हमारे देखने वालों को क्या बोलोगे कि लोग आए या क्या? बिल्कुल, जिन लोगों को मतलब जिन्होंने छोले खाने का शौक है, वो अगर पाकिस्तान शौक आए तो इकबाल छोले जरूर खाएं। अच्छा, जो है ना उनको एक अच्छी चीज मिले और फिर इंशाल्लाह वो बार बार आते रहेंगे अगर इस तरह के छोले वो खाएं। चले यार, इसका इकबाल छोले ट्राई करता हूँ और खा के बताता हूँ आपको। Boy.
चना चाट की चाट हमने ले ली है और इसको खा के देखता हूँ, बताता हूँ आपको कैसी चाट है। तो इन्होंने पापड़ी वगैरह डाली हुई है और एक इनकी स्पेशल एक चटनी है और टमाटर की चटनी डालते हैं इसके ऊपर ये, तो इसको ट्राई करके देखता हूँ। काफ़ी मशहूर है ये जगह। बहुत टेस्टी यार, बहुत टेस्टी है, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है और ये बहुत अच्छे थे चने वने बॉयल हुए में, और जो मसाले वगैरह यूज़ किए हैं वो भी काफ़ी, उसका भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है इनका। अच्छा यार, बाकी चाटों के मुकाबले में ये थोड़ी ज़्यादा सॉल्टिश है और थोड़ा स्पाइसी इसमें ज़्यादा आ रहा है टेस्ट। और ये बिल्कुल बाटा इनकी शॉप है, पाकिस्तान चौक बाटा, उसके बिल्कुल अपोजिट इनकी दुकान है। और आप आओ, यहाँ 40 रुपये की सिर्फ प्लेट है, आओ तो यहाँ लाजमी इनकी चाट ट्राई करो, इकबाल चना चाट। और पाकिस्तान चौक में एक बहुत मशहूर जगह है इकबाल चना चाट, तो इधर जब भी आओ तो इसकी ट्राई चाट करो और खा के देखो। अच्छा, इसमें डाला गया है वो ज़्यादातर वही चीज़ें जो नॉर्मली यूज़ होती हैं, एक्सेप्ट के इन्होंने एक अपनी एक चटनी बनाई है टमाटर की चटनी, वो इसके अंदर ऐड होता है, अदरवाइज़ दूसरी चीज़ें तो नॉर्मल दूसरी चाटों की तरह ही हैं। तो ये इनकी एक स्पेशलिटी है और दूसरों से थोड़ा डिफरेंट है।